नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। शीतलहर की चपेट में हिमाचल के कई जिले, ऊना सहित 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान माइनस में। हिमाचल प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। मैदानी जिलों ऊना व मंडी सहित प्रदेश में 7 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर से अभी राहत के आसार कम हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मैदानी जिलों में 16 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, केंद्र के अनुसार 2 दिनों के दौरान सुबह के समय मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा के नूरपुर, सिरमौर के पांवटा साहिब, धौलाकुआं और सोलन के बद्दी नालागढ़ के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वाहन चालकों को सुबह के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की सेना में लेफ्टिनेंट बने मसूही के सुमित चांगरा। हिमाचल के हमीरपुर जिले के ग्राम पंचायत सोर के मसूही गांव के सुमित चांगरा ने ऑस्ट्रेलिया की सेना में लेफ्टिनेंट का पद हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। सुमित चांगरा के पिता सुनील चांगरा व माता अंजना चांगरा ऑस्ट्रेलिया में ही निजी नौकरी करते हैं। सुमित चांगरा के दादा रोशनलाल ने डिप्टी रेंजर के पद पर हिमाचल में ही नौकरी की तथा दादी विमला देवी गृहिणी हैं। सुमित चांगरा ने पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई दिव्य आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भोटा में पूरी की। दलाशनी पंचायत के जंगल में आग बुझाते झुलसने से व्यक्ति की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की दलाशनी पंचायत में एक व्यक्ति की जंगल में आग बुझाते समय झुलसने से मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रविवार शाम करीब 7 बजे के आसपास दलाशनी के जंगल में आग भड़क गई थी। इस दौरान आग की लपटें दलाशनी निवासी बीर सिंह के घर के पास पहुंच गई। घर को बचाने के लिए आग बुझाते वक्त वो झुलस गए और खुद को बचाते हुए फिसलकर गिर पड़े। इससे उनके सिर पर चोट लग गई। ग्रामीण उन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें नेरचौक मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यहां से उन्हें PGI चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया। आज सुबह PGI पहुंचने से पहले व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान बीर सिंह 62 वर्षीय पुत्र नरपत निवासी गांव दलाशनी भुंतर कुल्लू के रूप में हुई है। सुधीर शर्मा बोले, मंत्री से कम नहीं विधायक राजेंद्र राणा। लोकसभा चुनावों से पहले हिमाचल में सियासी रंग जमने लगा है। प्रदेश कांग्रेस सरकार में हाशिए पर चल रहे कांग्रेस के दोनों कार्यकारी अध्यक्षों की सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में आज खूब जुगलबंदी देखने को मिली। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा आज एक मंच पर नजर आए। दोनों का एक मंच पर आना चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सर्व कल्याणकारी संस्था और स्थानीय पूर्व सैनिक लीग की तरफ से पूर्व सैनिकों के सम्मान में आज इसका आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक विधायक राजेंद्र राणा हैं, जबकि उनके बेटे अभिषेक राणा संस्था के अध्यक्ष हैं। सुधीर शर्मा ने राजेंद्र राणा की तारीफ में मंच से खूब कसीदे पड़े। सुधीर ने कहा कि बहुत कम ऐसे चुनाव क्षेत्र होते हैं जहां राणा की तरह उम्मीदवार होते हैं। राज्य सहकारी बैंक को मिले 64 नए सहायक प्रबंधक, भर्ती परिणाम वेबसाइट पर अपलोड। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने सहायक प्रबंधक के 64 पदों की सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत हुए साक्षात्कार के बाद परिणाम घोषित कर दिया है। वहीं चयनित उम्मीदवारों की सूची बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.hpscb.com पर अपलोड कर दी गई है। बैंक ने इन पदों की लिखित परीक्षा IBPS मुंबई से करवाई थी। इसका परिणाम 7 नवंबर 2023 को घोषित किया गया। वहीं बैंक के प्रबंध निदेशक श्रवण मांटा ने कहा कि यह बैंक के लिए हर्ष की बात है कि चयनित प्रार्थियों में अधिकतर युवाओं ने देश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, IIM और NIT से शिक्षा प्राप्त की है। ग्राम सभा बैठकों में जाएगी सुखू सरकार, अब बिना पैसे बर्बाद किए होंगी समस्याएं हल, रोड मैप हुए तैयार।
लोकसभा चुनाव से पूर्व ही गांव तक पहुंचने के लिए सुखू सरकार ने रोड मैप तैयार कर दिया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पहली बार मुख्यमंत्री, मंत्री, CPS व विधायक सभी अधिकारियों के साथ ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होंगे और लोगों की समस्याओं का हल करेंगे। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान 3 चरणों की तैयारी की गई रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सरकार के जनमंच की तरह पैसों की बर्बादी न कर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू नादौन विधानसभा क्षेत्र से करेंगे। इस दौरान जिला उपायुक्त से लेकर सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रखकर समस्याओं का निपटारा करेंगे। विक्रमादित्य सिंह बोले, विभाग देना और लेना CM का विशेषाधिकार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग देना और लेना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। खेल विभाग वापस लेने को लेकर मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, मैं कैबिनेट स्टेटस का तमगा लगाने वालों में से नहीं हूँ। कहा कि आज राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि युवा सेवा एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा के साथ मिलकर खिलाड़ियों के उत्थान के लिए मैं काम करूंगा। मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें शिमला ग्रामीण की जनता ने जनादेश दिया है। राजेश धर्माणी बोले, निदेशालय स्तर पर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए बनेगा समर्पित सेल। निदेशालय स्तर पर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए समर्पित सेल स्थापित किया जाएगा। नवीन प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकी पाठ्यक्रमों की नियमित रूप से समीक्षा भी की जाएगी। यह बात तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। वहीं उन्होंने कहा कि पेशेवर नैतिकता, वित्तीय और परियोजना प्रबंधन, रेट्रोफिटिंग प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदेशी भाषाएं, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे नए विषय आरंभ किए जाएंगे। अस्थाई शिक्षक की कभी भर्ती नहीं करेंगे, बेरोजगारों ने CM की पुरानी पोस्ट की वायरल पूछा, आपके वादे का क्या हुआ। स्कूल व कॉलेज में गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति का विरोध तेज हो गया है। छात्र संगठनों के विरोध के बाद अब हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। संघ ने गेस्ट टीचर भर्ती पर विरोध करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि बेरोजगार युवाओं से किए उस वायदे का अब क्या हुआ जिसमें कहा था कि अस्थायी शिक्षक भर्ती का विरोध करते हैं, अस्थायी शिक्षक की कभी भर्ती नहीं करेंगे। हिमाचल में शूट हुई बेहतरीन फिल्मों को पुरस्कृत करेगी प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश में शूट हुई बेहतरीन फिल्मों को प्रदेश सरकार पुरस्कृत करेगी। प्रदेश में कम से कम 50% शूटिंग के साथ बेहतरीन फिल्मों को सरकार की ओर से पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद नई फिल्म नीति का प्रारूप जारी कर दिया है। वहीं इसके तहत हिमाचल में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म निर्माताओं व प्रोडक्शन हाउस को आकर्षित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश में उत्कृष्ट फिल्म शूटिंग स्थल विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।